लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है, आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक विध कदम उठा रही है। साथियों, बड़े रिफॉर्म्स के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं। साथियों, देश में नई व्यवस्थाएं बन रही है। देश को आगे ले जाने के लिए अनेक वित्त नीतियों को, अनेक वित्त पॉलिसीज को निरंतर बनाया जाए और नए सिस्टम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता रहता है। आज जो 20-25 साल का नौजवान है, जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उम्र का नौजवान था, उसने अपनी आंखों के सामने ये बदलाव देखा है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं, रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना है, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। हम सदियों की बीड़ियों को तोड़ करके निकले हैं। आज टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें, हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है
तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती हैं, एक बहुत बड़ी